हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद के लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी, कलेजी मसाला, मटन कलेजी का मसाला जो कि आम हम घर के मसालों से तैयार कर सकते हैं। तो हमारा तरीका जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि आप कैसे घर में नरम कलेजी बना सकते हैं। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, तेल अब मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब ले लिया है। दो दरमियाने साइज़ की प्याज आपने इस तरह से काट लेनी है और इसको इतना भूनना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसको जलाना नहीं है आपने। एक किलो मेरे पास मटन लिवर या कलेजी है छोटे गोश्त की, बकरे की, इसको पहले से नमक लगाकर या थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके आपने अच्छी तरह से धो लेना है और इसके टुकड़े छोटे कर लेने हैं। इसके अलावा इसमें 3 टमाटर जाएंगे, इसी तरह इसको काट लीजिए। 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। और इसके साथ ही आधी चाय की चम्मच आप इसमें डाल दीजिए हल्दी, 2 चाय के चम्मच इसमें कुटी हुई या पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच आपने धनिया पाउडर इसमें डाल देना है। और यहाँ पर मैं अभी 1 चाय का चम्मच नमक ले रही हूँ, बाकी नमक हम बाद में शामिल कर लेंगे। अब आपने इस मसाले को थोड़ी देर के लिए पकाना है। आप इसमें 1 कप या थोड़ा सा उससे ज़्यादा पानी शामिल कर दीजिए और इसको दरमियानी आंच पर ढककर थोड़ा सा पका लीजिए। 20 मिनट पकाने के बाद ही हमारा तेल अलग हो गया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो हम इसमें अब शामिल कर रहे हैं थोड़े से और मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1-2 चुटकी अजवाइन है। अब आपने इसको दरमियानी से तेज़ आंच पर अच्छी तरह से मसाले को भूनते जाना है। 15-20 मिनट आप जब इसको भून लेंगे, इसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें दही शामिल करना है। अच्छी तरह से फेंट लीजिए दही को, 5-6 खाने के चम्मच दही आप इसमें यूँ फेंट कर शामिल कर दीजिए और इसको थोड़ा सा और भून लें। अब इसमें अगर आपको लगे नमक कम है तो आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर दीजिए इसमें। अब ये देखिए हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।